हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। सबसे पहले वीडियो बनाने के दो पर्पस हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों का जो डाउट था प्रैक्टिस सेट 5 में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डाउट रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 9 इन प्रैक्टिस सेट 5, जहां पर मैंने आपको एक्टिव से पैसिव फॉर्म बनाने के लिए कहा था। आई थिंक द क्वेश्चन वॉज आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, इससे रिलेटेड था। तो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन विद एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन इट इन माई वीडियो। आप वो चैनल पे जाके प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन करके मैंने डाला है, तो वहाँ आप चेक कर लीजिए। रूल को मैंने समझाया है इन डिटेल, तो आपका जो डाउट है, संदेह है, वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एंड येस, नाउ यू विल हैव नो डाउट रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन। एंड द अदर पार्ट इज दैट टुडे आई बॉट दिस सिलेबस विद मी, एंड आई होप ये सभी के पास सिलेबस आप लोगों का होगा। इसमें कुछ एक तरीका है जो मैं बता रही हूँ आपको, प्रैक्टिस कैसे करनी है, हाउ यू हैव टू गो थ्रू द ऑथर्स वर्क्स, व्हाट एल्स यू हैव टू स्टडी इन दिस सिलेबस, जो लोग भी सिलेबस पढ़ जो तैयारी कर रहे हैं एलटी की, ऑफ कोर्स। सो इफ यू कम अक्रॉस, सबसे पहले मैंने आपको बोला फिक्शन एंड प्रोज का मैं सेक्शन दे रही हूँ। तो फिक्शन एंड प्रोज में आप लोगों को, आपके पास सिलेबस है, एवरीबडी मस्ट बी हैविंग देयर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ओनली यू हैव टू गो थ्रू योर दिस प्रिपरेशन। इसमें जो जितने भी आपके जैसे वर्क दिए हैं और साथ ही साथ इनके ऑथर के नाम, मीन्स अगर थॉमस हार्डी है तो थॉमस हार्डी का वर्क है द मेयर ऑफ क्वेस्टरब्रिज, तो आपको वर्क तो करना ही करना है। उनका वर्क जो है, डेफिनेटली वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पुट अप होंगे, लेकिन साथ ही साथ हल्की फुल्की जिसे कहते हैं ना कि बायोग्राफी, उनके और वर्क्स को मत करिए भले आप, लेकिन जो उनका फेमस वर्क है उसके लिए, उसके बारे में थोड़ा सा आपको कब आया था, क्या आया था, इतनी सी जानकारी होनी मस्ट है। एंड यस, उनकी बायोग्राफी, कहाँ से उन्होंने स्कूलिंग करी, क्या अगर उन्हें अवार्ड मिले हैं तो कहाँ मिले हैं, कौन से उसमें वर्क किया, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बन के आते हैं एग्जाम में, जो मेन पॉइंट अट्रैक्ट करते हैं टूवर्ड्स द ऑथर एज वेल एज। तो खाली वर्क को ही मत कीजिए कि अगर दिया है तो वर्क ही वर्क, वर्क तो करना ही है, बट बिसाइड्स दैट यू गो थ्रू द बायोग्राफी ऑफ दैट ऑथर मेंशन द वर्क अलोंग विद देम, राइट। एक तो आपको ये करना है, ठीक है। दूसरा आपको जैसे इंडियन इंग्लिश पोइट्री है और आपके ये ब्रिटिश पोइट्री, अमेरिकन पोइट्री, तो ये जो पोइट्री के जितने भी ऑथर्स दिए हैं इनको, येस ऑफ कोर्स आपको क्या करना है, इसको पूरे ऑथर्स की बायोग्राफी अलॉन्ग विद देयर वर्क्स, बट वर्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस वो ही आपको करने हैं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चंस बन के आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज योर लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। तो लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स में तो जितना MCQ प्रैक्टिस हो जाए दैट इज मच एंड मच सफिशियंट, क्योंकि वहाँ आपको सिर्फ MCQs बेस्ड ही क्वेश्चन आने हैं, तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो ही आपने करना है, राइट। एंड ड्रामा, येस ड्रामा में भी जैसे शेक्सपियर है तो शेक्सपियर की बायोग्राफी ऑफकोर्स करनी पड़ेगी, उनके वर्क्स को तो हम करेंगे, लेकिन जहाँ पूरा स्पेसिफाई किया है कि पूरा ऑथर दे दिया है और ऑथर का काम नहीं दिया है, तो वहाँ आपका थोड़ा सा जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द ऑथर वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको उनके वर्क्स को भी करना पड़ेगा, बिकॉज द वर्क्स आर नॉट मैंशनड हियर, वट आर हिज फेमस वर्क्स, कौन कौन से वर्क से उनको कुछ मिला, अवार्ड मिला, सो इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट, तो वो इम्पॉर्टेंट ही आपको करने हैं, राइट। उसके बाद आपका आता है, नेक्स्ट सेक्शन आता है जो सबसे लास्ट में मेंशन किया है इन्होंने सिलेबस में, दैट इज इंडियन राइटिंग इन ट्रांसलेशन। अगेन द सेम विद दैट, जैसे कि आपका 5 सेक्शन में, 6 सेक्शन में चल रहा है फिक्शन एंड प्रोज में, उसी तरीके से आपने 7 वाले सेक्शन को भी करना है। वो जो काम है वो तो करना ही करना है, उससे रिलेटेड MCQs तो करने ही हैं, इवन यू हैव टू गो थ्रू दैट वर्क इन डिटेल एज वेल एज। समय कम नहीं है, समय काफ़ी है, भरपूर उपयोग कीजिए। बिल्कुल आपका बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत सिंपल है। आज भी अगर आपने सोचा है तो येस यू कैन डू इट, आई एम टेलिंग यू, यू कैन डू इट। तो आपने बस थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में और उसके वर्क को डिटेल में पढ़ना है, दैट्स इट, कोई ज़्यादा नहीं है। अब आप कहेंगे मैम तो बोल रही है बहुत ज़्यादा नहीं है, यस बिल्कुल नहीं है। अब आपको मैं इसको और सिंप्लीफाइड कर दूंगी, मैं आपको क्वेश्चंस लेके आऊँगी, आई एम वर्किंग ऑन इट। तो मैं क्वेश्चन अब ऐसे बनाऊंगी, अब मैं आपको एक एक ऑथर ऐसे करके वर्क नहीं दूंगी। व्हाट इज माय जॉब इज दैट कि मैं अब आपको जैसे लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट, तो MCQ इसी से रिलेटेड बनाऊंगी। आई विल एनहेंस द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन थोड़े बढ़ा देंगे, 20 थे तो थोड़ा उसको मैं एक्सटेंड कर दूंगी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी बल्क में करेंगे क्वेश्चन को, सो यू विल हैव अ सेट एंड अ प्रैक्टिस एंड विद द एक्सप्लेनेशन
द प्रैक्टिस सेट ऑफ टोटल वर्क लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट, उसमें जितना भी सिलेबस दिया है वो हम कवर अप करेंगे. देन कम्स योर ड्रामा, ऐसा ही पोइट्री, अमेरिकन पोइट्री यस एंड इंडियन इंग्लिश पोइट्री, जितने भी आपके सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं. अगर मैं बात करूँ फिक्शन एंड प्रोज की, तो फिक्शन एंड प्रोज करके मैं सारा आपको क्वेश्चंस दूंगी, और इस सारे क्वेश्चंस को मैं ऐसे करूँगी, इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे, बिकॉज द नंबर ऑफ द सीक्वेंस इज मोर. जब ज़्यादा है तो फिर एक एक दो दो क्वेश्चन ही बन पाएंगे, ज़्यादा नहीं बन पाएगा. तो आई विल डिवाइड इट इंटू टू और थ्री पार्ट्स. तो टू या थ्री पार्ट्स में हम आगे के ऊपर के तीन, नीचे के तीन, बीच के तीन, इस तरीके से हम इसको डिवाइड करके आई विल मेक दी क्वेश्चनरीज फॉर यू राइट. एंड द कम्स द लास्ट पोर्शन, इसी तरीके से हम करेंगे, जिससे कि आपका MCQ भी साथ साथ चलता रहे और अपनी तैयारी आप बिल्कुल पेपर से पहले कई बार उसको रिवाइज कर सकें. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. क्वेश्चन जो भी आपको डिटेल में समझना हो या कहीं पर भी आपको लगता है कि कहीं दिक्कत है, तो प्लीज़ गो थ्रू. इवन दो यू कैन गिव मी अ मैसेज कॉमेंट, आई रियली से दैट आई गिव द मैसेज रिप्लाई वेरी सून, आई डोंट टेक मच टाइम. तो जितना होता है मैं रिस्पॉन्स देती हूँ. इट्स माई जॉब टू गिव यू अ रिस्पॉन्स बिकॉज यू आर हैविंग योर एग्जाम्स वेरी नियर टू यू. और साथ ही साथ आप लोग तैयारी में लग जाएँ. एंड यस, बहुत से बच्चों ने मुझे कहा कि डिटेल स्टडी के लिए जैसे द रेप ऑफ लॉक ये कराइए. तो आई थिंक इफ आई विल गेट सफिशियंट टाइम देन आई विल मेक थ्रू, बिकॉज इस समय मेरा मोटिव आप लोगों को क्वेश्चनरीज देने का है. सो आई एम गोइंग टू मेक इट बेटर फर्स्ट. इफ आई विल गेट टाइम डेफिनेटली आई विल गिव सम वीडियोज रिलेटेड टू इट, बट आई कांट कमिट राइट नाउ. अब मैं कमिट नहीं कर सकती, अभी मेरा कमिटमेंट आपको MCQs का है और आपके डाउट्स क्लियर करने का.